हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द गुजराती चेस जोन। जैसे कि हमने इससे पहले वाइट से ओपनिंग बनाई थी d4 पोले सिस्टम, आज मैं आपको उसी d4 अगेंस्ट खेलने की लाइन बता रहा हूँ। इससे पहले मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, d4 अगेंस्ट कैसे खेले। बहुत लोगों को दिक्कत होती है d4 के सामने कौन सी लाइन पसंद करें। तो यहाँ पे लास्ट वीडियो में हमने देखा था वाइट की थर्ड मूव अल्टरनेटिव d4, और मैं आपको पहले सिखाऊंगा क्वींस गैम्बिट एक्सेप्टेड। क्वींस गैम्बिट एक्सेप्टेड लास्ट टाइम हमने देखा था d4 d5 c4, देन d takes c4, वाइट की थर्ड अल्टरनेटिव knight c3 और e3। ये दोनों मूव्स मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बना दिए। आज हम देखेंगे सेंट्रल वेरिएशन। सेंट्रल वेरिएशन क्या है? d takes c4, उसके बाद वाइट e4 खेलता है। तो थर्ड मूव में e4, यहां आपको खेलना है e5। वाइट रिप्लाई देगा knight f3, क्योंकि बेस्ट रिप्लाई knight f3 है। अदरवाइज अगर bishop takes c4 किया तो हम queen takes d4 या pawn takes d4 करके सेंटर अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। और pawn takes pawn अगर वाइट ने किया तो queen takes queen और कैसलिंग का चांस वाइट हो देगा। तो बेस्ट चॉइस है यहाँ पे knight f3। यहां आपको खेलना है e takes d4, वाइट खेलेगा bishop takes c4। अब आपको रिप्लाई देना है knight c6, जो d4 पॉन को प्रोटेक्ट करेगा। वाइट रिप्लाई देगा यहां पे शॉर्ट कैसल, उसके बाद bishop e6। अब यहां से दो वेरिएशन है वाइट के लिए, एक तो bishop b5 आपके नाइट को पिन करना, और दूसरा जो वेरिएशन है bishop takes e6। पहले देखते हैं bb5 में मैं ज्यादा मूव नहीं बताऊंगा आपको, सिंपलीफाई है। आपको bishop c5 से पॉन को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि bishop takes c6 की थ्रेट भी है, knight takes d4 की भी थ्रेट है। वाइट खेलेगा knight bd2, और यहां पे आपको खेलना है knight e7। इस स्ट्रक्चर से आप काफी हद तक अच्छी तरह से खेल सकते हो। दूसरा जो वेरिएशन है bishop takes e6, इसमें क्या होगा? f takes e6, वाइट खेलेगा queen b3, आपको Queen d7 खेलना है, e6 को प्रोटेक्ट देना है। वाइट अगर Queen takes b7 करता है तो यहां आपको टेम्पो मिलेगा Rook b8। तो ये भी पोजीशन काफी हद तक ब्लैक के फेवर। ओके, फिफ्थ मूव में देखो, इसमें तीन अलग अलग चॉइस थी। इंस्टेड ऑफ bc4 ये पोजीशन, व्हाइट के पास एक और मूव है knight takes d4। knight d4 में आपको रिप्लाई देना है bishop c5, नाइट पे अटैक बढ़ाना है। ब्लैक रिप्लाई देगा bishop e3, डेवलप विथ सपोर्ट। अब आपको खेलना है knight f6, अटैक ऑन e4। तो यहां पे व्हाइट का बेस्ट चॉइस होगा knight c3, और यहां आपको खेलना है knight g4। knight takes e3 करके पॉन डबलिंग का प्लानिंग है। अब वाइट अपना पॉन रिकवर करेगा bishop takes c4, यहां आपको कैसलिंग कर देना है। ओके, इसके बाद वाइट भी करेगा शॉर्ट कैसलिंग, और यहां पे queen d6। अब यहां Qs2 की थ्रेट के साथ आप काफी अच्छी तरह से अटैकिंग लाइन खेल सकते हो। अब दोस्तों,
नया वेरिएशन, ये तो हो गए व्हाइट्स थर्ड अल्टरनेटिव। ओके, यहां देखेंगे मैनहेम वेरिएशन। सबसे पहले मैनहेम वेरिएशन, d4 d5 c4 d6 4 एक्सचेंज, और मैनहेम वेरिएशन में व्हाइट थर्ड मूव क्या करता है, नाइट एफ थ्री। मैनहेम वेरिएशन में नाइट एफ थ्री थर्ड मूव व्हाइट खेलता है, यहां पे ब्लैक से रिप्लाई देना होगा फिर नाइट एफ सिक्स। उसके बाद व्हाइट क्वीन ए फोर चेक देता है, यहां आपको खेलना है नाइट सी सिक्स, और अब व्हाइट खेलेगा नाइट सी थ्री, और यहां बेस्ट चॉइस नाइट डी फाइव। कंटिन्यूस गेम यहां पे क्या हो सकती है, देखो अब मैं आपको एक बढ़िया चीज बताऊंगा। कई लोगों को लगता है कि ये नाइट जो पिन है तो क्या व्हाइट नाइट ई फाइव खेल सकता है, नाइट डी फाइव में इसका रिप्लाई आप कैसे दोगे? तो इसका रिप्लाई सिंपल है, नाइट बी सिक्स। ओके ओके, यहां पे एक और चेंजेस। चलो व्हाइट यहां पे नाइट सी थ्री के बदले अल्टरनेटिव अभी नाइट ई फाइव करे तो क्या करोगे आप? यहां पे तो आपके नाइट पे दो अटैक आ गए। चलिए यहां पे बेस्ट चॉइस है क्वीन टेक्स डी फोर। व्हाइट नाइट टेक्स नाइट लेगा डिस्कवर की थ्रेट के साथ, और यहां आपको करना है सिंपल क्वीन डी सेवन, नाइट को पिन कर दो और नेक्स्ट मूव में आपको नाइट मिल जाएगा क्योंकि ये क्वीन अनसपोर्टेड है। अब व्हाइट खेलेगा नाइट डी टू, आपकी सी फोर पे अटैक। यहां पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा सी थ्री। अब सी थ्री के बाद पोजीशन काफी हद तक ब्लैक के फेवर में रहेगी क्योंकि नाइट पे एक तो थ्रेट है और कंपलसरी पॉन टेक्स पॉन करना पड़ेगा। यहां पे देखो आप पॉन टेक्स नाइट कर दोगे तो दो आइसोलेट पॉन और यहां पे डबलिंग पॉन और आइसोलेट, लेकिन रूक फाइल और क्वीन नाइट सब कुछ डेवलप। पोजीशन ऐसा नहीं कि ब्लैक जीत जाएगा, यहां पे आप क्वीन से भी एक्सचेंज कर सकते हो इस पोजीशन में, आफ्टर क्वीन टेक्स क्वीन देन पॉन टेक्स। उसके बाद गेम में क्या होगा कि व्हाइट के दोनों पीसेस अभी अंदर है जैसे ब्लैक के भी है, लेकिन ब्लैक का जो नाइट है यहाँ पे डेवलप है। वेल व्हाइट का जो डार्क स्क्वायर बिशप है कंप्लीटली डेवलप्ड है, रुक तुरंत ओपन फाइल में आ सकता है, बहुत सारे फायदे हैं ब्लैक में। और यहाँ पे आप इंजिन में देख सकते हो कि इक्वल गेम बता रही है। अब देखो क्वीन एक्सचेंज हो गई, ज्यादा मटेरियल एक्सचेंज हो गया, एंड गेम की फेवर में गेम आ गई। अब डी फोर के सामने खेलने में अब कोई दिक्कत नहीं है, दोनों की ओर से परफेक्ट खेलना जरूरी। चलिए यहां पे मैं आपको एक और बताऊंगा, सिक्स्थ मूव में हम आ जाएंगे नाइट सी थ्री नाइट डी फाइव। ओके चेक, यहां पे व्हाइट खेलेगा नाइट सी थ्री, आपने खेला नाइट डी फाइव। इसके बाद अब दो चॉइस है व्हाइट के पास, कौन सी दो चॉइस है? एक तो है क्वीन टेक्स सी फोर और दूसरी चॉइस है ई फोर विथ अग्रेसिव अटैकिंग। चलिए क्वीन सी फोर में आपको क्या रिप्लाई देना है, क्वीन टेक्स सी फोर नाइट बी सॉरी नाइट डी बी फोर, आपको ये वाला नाइट बी फोर नाइट सी टू की थ्रेट के साथ। व्हाइट के पास एक ही बेस्ट चॉइस है क्यू बी थ्री, उसके बाद आपको खेलना है नाइट डी फोर। अब आपको एक पॉन मिल गया वापस
मतलब पॉन यहाँ पे प्लस हो गए हैं। नाइट डी फोर के बाद व्हाइट खेलेगा नाइट टेक्स डी फोर, क्वीन टेक्स डी फोर और ए थ्री, यहां आपको खेलना है नाइट ए सिक्स, नाइट सी सिक्स मत जाना दोस्तों, नाइट ए सिक्स ये बहुत ही बेस्ट मूव है क्योंकि नाइट सी फाइव नेक्स्ट मूव। यहां पे व्हाइट खेलेगा ई फोर डायरेक्टली बिशप टेक्स नाइट के थ्रेट के साथ। अब आपको खेलना है नाइट सी फाइव विथ कॉर्क, क्वीन सी टू एक ही बेस्ट चॉइस है पॉन को बचाने का, और उसके बाद आपको खेलना है ई फाइव। अब देखो डार्क स्क्वायर बिशप ओपन हो गया, नाइट को सपोर्ट मिल गया, जैसे कि क्वीन पे अटैक आता है क्वीन आप लास्ट तक ले जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, नाइट सपोर्टेड है और ये पोजीशन काफी हद तक इक्वल है, लेकिन खेलने में बहुत मजा आएगा इसमें। एट मूव में ई थ्री मतलब नाइट डी फोर, यहां पे क्यू बी थ्री नाइट डी फोर, ओके यहां पे व्हाइट अगर ई थ्री खेलता है तो ये कंप्लीटली ब्लंडर है। तो ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक जो अपोनेंट की है वो आपको पकड़ लेनी। ओके एक और चीज देखते हैं, नाइट टेक्स डी फोर के बाद जब क्वीन डी फोर, इस पोजीशन में व्हाइट ई थ्री करता है क्वीन पे अटैक, तो यहां आपको खेलना है नाइट डी थ्री चेक। नाइट डी थ्री में ज्यादातर लोग को ये मानना पड़ता है क्योंकि अगर किंग मूव किया तो कैसलिंग कभी नहीं हो पाएगा, और किंग ऐसी अच्छी जगह पे मूव भी नहीं हो पा रहा है क्योंकि क्वीन अगर यहाँ आया तो डिस्कवर में आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, और नाइट फोर्क में भी आप चेक देके बाद में रुक भी ले सकते हो क्वीन अटक। तो यहाँ पे बिशप टेक्स डी थ्री फोर्स हो जाएगा इस पोजिशन में, क्वीन टेक्स बिशप और कैसलिंग अभी रुका है, तो क्वीन डी थ्री के बाद व्हाइट यहाँ पे नाइट बी फाइव, ये एक उसकी बेस्ट चॉइस होगी। अगर आप क्वीन एक्सचेंज करते हो तो नेक्स्ट टारगेट उसका सी सेवन पे है, यहां आपको सिंपल क्वीन डी एट ले आना है, एक्सचेंज नहीं करनी। अब वाइट करेगा कैसलिंग और यहां आपको सजेशन करूंगा सी सिक्स। तो दोस्तों ये हो गई हमारी 12 मूव कंप्लीट। इसके बाद देखो ब्लैक का स्लाइट एडवांटेज है आपको दिख रहा है यहाँ पे -0.63, मतलब ब्लैक स्लाइट प्लस में, ऐसा नहीं कि ब्लैक जीत गया है। तो ये था मेनहेम वेरिएशन। मेनहेम वेरिएशन में क्या होता है ये ध्यान रखो, आपको सारे मूव याद आ जाएंगे, डी फोर डी फाइव सी फोर डी इंटू सी फोर, और यहाँ पे हम करते हैं नाइट टेक्स सॉरी यहाँ पे नाइट एफ थ्री व्हाइट खेलता है मेनहेम, नाइट एफ थ्री देन क्वीन ए फोर चेक, इसे कहते हैं मेनहेम वेरिएशन। आपको लिख लेना है कि नाइट एफ थ्री एंड देन क्वीन ए फोर चेक इज अ मेनहेम वेरिएशन। तो नाइट एफ थ्री के सामने नेचुरल रिप्लाई होता है नाइट एफ सिक्स क्वीन चेक, और उसके बाद आपको यहाँ पे नाइट सी सिक्स करना है, और नाइट सी थ्री नाइट ई फाइव सारे वेरिएशन हमने देख लिए। तो दोस्तों ये था कंप्लीट मेनहेम वेरिएशन, इतना आप सीख लो पहले। इससे पहले वाले वेरिएशन में हमने देखा था जो साइड लाइन्स कि थर्ड में क्वीन ए फोर चेक, थर्ड नाइट सी थ्री, थर्ड ई थ्री, ये वगैरह वो भी आपके पास मटेरियल आ गया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टू नाइट वेरिएशन। अब आपको लगेगा कि क्वींस ये जो डी फोर वाली लाइन में है तो टू नाइट कैसे आएगा, वो भी मैं बताता हूँ आपको। और टू नाइट वेरिएशन क्या है ये समझ लिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि मेरी पूरी सीरीज ही बनती है, कोई एक वीडियो नहीं बनता है ओपनिंग पे, पूरी बुक में आपको बता देता हूँ, मतलब हर एक वेरिएशन के साथ। और ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ बुक में देख के आपको मूव्स दिखाता हूँ, मैं क्रॉस चेकिंग करता हूँ, ऑनलाइन डेटाबेस में देखता हूँ कि ये मूव से कितने गेम्स वाइट जीता है और कितने गेम्स ब्लैक जीता। ओके तो टू नाइट वेरिएशन में डी फोर डी फाइव देन सी फोर, हम तो एक्सचेंज करेंगे, एक्सचेंज वेरिएशन खेलना है डी इंटू सी फोर। नाइट एफ थ्री हम खेलेंगे नाइट एफ सिक्स,
और यहां पे व्हाइट रिप्लाई देता है नाइट सी थ्री इंस्टीड ऑफ क्वीन ए फोर चेक। तो इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस मूव के बारे में नेक्स्ट वीडियो में। तो उसे कहते टू नाइट वेरिएशन और उसके बाद में फुरमान वेरिएशन भी बताऊंगा, मतलब डी फोर के सामने जितने भी ब्लैक से खेले जाते हैं मूव सब आपको पता चल जाएंगे। इसीलिए अगेंस्ट डी फोर की ये पूरी सीरीज देखना मत भूलिए दोस्तों, आप बहुत ही जबरदस्त तरीके से तैयार हो जाएंगे पूरी लाइन देख और आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाउ टू प्ले हाउ टू बीट डी फोर। जल्द ही मिलेंगे दोस्तों, जय हिंद जय गुजरात।